चलो चलो टूनी, अब घोंसले में वापस चलते हैं। हाँ हाँ, चन्ना मामा निकलने ही वाले हैं। अभी तुरंत अंधेरा हो जाएगा, है ना? बताइए ना, आज आप मुझे कौन सी कहानी सुनाएंगी? कौन सी सुनाओ, क्या सुनाओ? आज मैं तुम्हें ठाकुरगंज के नील कमल और लाल कमल की कहानी सुनाऊंगी। ओ नहीं माँ, आज कोई दूसरी कहानी सुनूंगी। मुझे राक्षस खाखल की कहानी सुननी है। अच्छा बच्चे, तो फिर वो ही सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में एक भयानक राक्षस रहता था। उसका एक भाई था, वो था खाखल। राक्षस बहुत बदमाश था। मुझसे भी ज्यादा बदमाश? हाँ, तुमसे भी ज्यादा बदमाश। वो राक्षस हमेशा अपने भाई खाखल का खाना चुरा कर खा जाता था, और जब खाखल कुछ भी कहने जाता तो राक्षस भैया खाखल भाई को बहुत मारता था। इसलिए एक दिन खाखल ने एक योजना बनाई। कैसी योजना माँ? वो जहाँ अपना खाना रखता था उसके चारों तरफ एक गड्ढा खोदकर वहाँ घास पत्ते बिछाकर उसके पास खाना रख दिया और गड्ढे में गोबर भर दिया। फिर जब राक्षस भैया अपने छोटे भाई का खाना चुराने आया तो वो उसी समय उस गड्ढे में गिर गया। उसके बाद तो वो पूरी तरह गोबर में फंस गया और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, पर वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मजा आ गया, राक्षस भैया को मिली सजा। हाँ, मजा आ गया, राक्षस भैया को मिली सजा। हाँ, मजा आ गया। इतनी रात को टुनी के घोंसले से हंसने की आवाज क्यों आ रही है? मैं जाकर देख कर आती हूँ। क्या हुआ टुनी बहन, इतनी रात को तुम्हारे घोंसले में इतना शोरगुल किस बात पर हो रहा है? अरे बहन, यहाँ रात कहाँ हुई है, मेरे घोंसले में तो उजाला है। इस पर्दे को गिराते ही अंधेरा, और जैसे ही पर्दा उठाओ फिर से उजाला। हाँ टूनी, तू तो बहुत ही चालाक है। अच्छा जरा बताना, तूने ये कैसे बनाया है? मैं राजा काका बोका की गौशाला से गोबर और जुगनू ले आई थी। फिर एक छोटी कटोरी में गोबर भर कर रख देती हूँ और जुगनुओं को पकड़कर उनका सिर उसमें घुसा देती हूँ। बस हो गया। अरे वाह, तो फिर कल सुबह मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं भी तुम्हारे साथ महाराज के गोशाल से गोबर लाने जाऊंगी। अच्छा ठीक है। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी टूनी मेरा नाम। रात को करूँ उजाला, खुशी की है बात, आहा नहीं है कोई काम। अरे बाबा दो, जल्दी से दूध दो भाई, महाराज को अगर अभी दूध नहीं मिला तो वो पूरा महल सर पर उठा लेंगे। हाँ हाँ, मैंने लोटे में भर के रखा है, ले जाइए। वो देखो शालू, वहाँ पर गोबर इकट्ठा करके रखा गया है। क्या बात है, तो जल्दी चल वहाँ से गोबर लेकर आते हैं, उसके बाद घोंसले में ले जाकर थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे। चलो जल्दी। अरे ये क्या, टूनी और शालू राजमहल के गौशाला से गोबर चुरा रहे हैं। ये बात महाराज को बतानी पड़ेगी। अरे ये क्या, दूध तो लेते जाइए। अपना दूध अपने पास रखो। 97, 98, 99, 100। अरे बाप रे, अब जाकर व्यायाम खत्म हुआ। महाराज, पर ये क्या, अभी तक ताजा दूध नहीं आया, अब तक तो दूध आ जाना चाहिए था। सारे कर्मचारी निकम्मे होते जा रहे हैं।
महाराज अनर्थ हो गया। महाराज क्या हुआ, क्या हुआ, और मेरा ताजा दूध कहाँ है? हाँ क्या अनर्थ हो गया? टोनी अपनी सहेली शालू के साथ मिलकर राजमहल के गौशाला से गोबर चुरा कर ले जा रही है। हाँ? क्या कहा, राजमहल के गौशाला में चोरी? सर्वनाश। कहाँ है वो टूनी? कहाँ है वो? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो देखिए महाराज, वो देखिए। ये क्या, ये तो दिन दहाड़े ही गोबर चोरी कर रहा है। चोरी नहीं, डकैती कहिए, डकैती। इसके बाद तो अब राजमहल में गोबर बचेगा ही नहीं, ना होंगे उपले और ना ही जलेगा चूल्हा और खाना पकेगा ही नहीं। टूनी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गौशाला से गोबर चुराती है? हाँ महाराज, आपके महल में तो रात को बत्तियाँ जलती हैं, पर हमारे घोंसलों में अंधेरा रहता है, इसलिए हम गोबर में जुगनुओं को गाड़कर उजाला कर लेते हैं बस। आज से सारा उजाला खत्म। क्या कहा आपने, इतना आसान नहीं है महाराज। अभी तो सिर्फ हम दोनों ही यहाँ से गोबर लेकर जा रहे हैं, इसके बाद पूरे जंगल के पक्षी गोबर लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या कहा? रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ, रुक जा। मंत्री आज्ञा दीजिए महाराज। सुनो, आज से राजमहल के गौशाला में गोबर नहीं रहेगा। हाँ, अब सारा गोबर राजमहल के गोदाम घर में रहेगा। हाँ अब देखता हूँ वो टूनी गोबर कैसे चुराती है। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। न जाने मैंने क्या क्या सोचा था, टूनी के घोंसले की तरह मेरे घोंसले में भी उजाला हो जाएगा, पर ये दुष्ट राजा ने तो सब चौपट कर दिया। अरे शालो, तेरा सपना हर बार की तरह टूट गया। अफसोस, मैं थोड़ी देर पहले ही देख कर आया हूँ कि महाराज के गौशाले से सारा गोबर हटाकर राजमहल के गोदाम में रखा जा रहा है। क्या बता टूनी, अब मेरा क्या होगा? क्या अब मेरे घोंसले में रोशनी नहीं जलेगी? मैंने भी सोचा था कि अपने घोंसले में रोशनी करूंगी, पर मेरा वो सपना अधूरा ही रह गया। एक उपाय है मित्रों, एक उपाय है। राजमहल के गोदाम घर के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान है, वहाँ से शालू और मैं आराम से अंदर चले जाएंगे। चलो जल्दी चलो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरा नाम है राजा अक्का बुक्का, और मेरे बुद्धि के आगे तो कौवा जैसा पक्षी भी बुद्धू बन जाता है। तो फिर ये छोटी सी टुनटुनी क्या है, मेरे गौशाला से गोबर चुराने चली थी। अब देखो आगे आगे होता है क्या। गोबर तो हम लेके ही जाएंगे, सीधे सीधे ना सही तो ऐसे ही। आगे के रोशनदान से अंदर जाएंगे और पीछे के रोशनदान से चुपचाप बाहर निकल जाएंगे। मंत्री पकड़ो इस टुनटुनी और शालू को, पकड़ो अभी के अभी पकड़ो। भाग कर तुम लोग और कहां जाओगे? आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। गोबर चुरा के घोंसले में उजाला करना है, आज तुम्हारे घोंसले ही तोड़ दूंगा। ओ मंत्री आज्ञा दीजिए महाराज। तुम कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर टुनटुनी और टुनटुनी के साथियों के सबके घोंसले तोड़ डालो। जाओ अभी जाओ और राजमहल से सारा गोबर राजकोषागर में रखवा दो। हाँ अब जाकर टुनटुनी को पता चलेगा। तो फिर वहाँ के हीरे जवाहरात वो सब गौशाला में रखवा दो। हाँ गौशाला में रखवा दो। हैं? जो आ गया महाराज। अरे, सारे के सारे घोंसले तोड़कर नीचे गिरा दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए मंत्री जी, ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे।
ये महाराज का आदेश है। तुम लोगों ने राजमहल से गोबर चुराया है, इसलिए ये तुम्हारी सजा है। अरे ये क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? हम तो पहले ही अच्छे खासे थे, ये अचानक हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी। चाहे जितना भी रोना धोना कर लो, पर कुछ भी कर नहीं पाओगे। आज से गोबर को भी हम ताला लगा कर रखेंगे, ताकि वो तुम्हारे हाथ कभी ना लग सके। अब तुम लोग गोबर कभी भी नहीं चुरा पाओगे। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं फिर से नया घोंसला बनाऊंगी और उस दुष्ट राजा को ऐसी सजा दूंगी कि उन्हें फिर से नया राजमहल बनाना पड़ेगा। देख लेना, दुष्ट राजा दुष्ट राजा, अब मिलेगी उसे सजा। लेकिन हमारा इतना बड़ा नुकसान करने के बाद हम उस राजा को कैसे सजा देंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और जंगली बेल के बीज ढूंढने पड़ेंगे। मंत्री, ये सारा गोबर अब कोषागार में रखवा दो, फिर टूनी क्या किसी मक्खी की भी हिम्मत नहीं होगी कोषागार में जाने की। यही है मौका दोस्तों, आक्रमण। पकड़िए पकड़िए, हमें पकड़िए, हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखाइए। अरे अरे भाग गई, अरे भाग गई, वो भाग गई। महाराज की जय हो। महाजन आप? महाराज, क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? आपको कल व्यापार के लिए विदेश जाना है, इसीलिए मैं आपको सूचना देने आया हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ हाँ, ये टूनी के पीछे भागते भागते मैं तो सब भूल ही गया था। मंत्री मंत्री, तुम जल्द से जल्द मेरी जाने की व्यवस्था करो और अपने जहाज में मैं सारे गायों को भी विदेश ले जाऊंगा, जिससे टूनी को किसी भी तरह गोबर ना मिल पाए। हाँ। जैसी आज्ञा महाराज। टूनी, अरे शालू, तुम्हें पता है महाराज व्यापार के लिए ओका बोका जा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब हमारा और नुकसान नहीं होगा, अब हम गोशाले से गोबर ला पाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं ला पाओगी, क्योंकि महाराज सभी गायों को जहाज में विदेश लेकर जा रहे हैं। ये तो सच में अच्छा नहीं हुआ। घबराओ मत शालू, कुछ ही दिनों बाद हमें फिर से गोबर मिलने लगेगा और महाराज को भी सजा मिलेगी। लेकिन टूनी बताओ कैसे? उन्हें जंगली बेल के बीजों से, और क्या। चलो चलो चलो, वो देखो कोषागार टूट गया है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सच में टूनी, तेरी बुद्धि का तो जवाब नहीं। वो देखो महाराज आ रहे हैं, चलो उनके पीछे चलते हैं। अरे ये क्या, कोषागार की ये क्या हालत हो गई है, ये कोषागार टूट कैसे गया? महाराज आप बहुत ताकतवर हैं, है ना, आपने हमारे घोंसले तोड़वा दिए, पर हमारे पास बुद्धि है, हमने अपनी बुद्धि से आपके राजमहल का कोषागार तोड़ दिया है। और ताला बंद कोषागार से गोबर भी लेकर जा रहे हैं। हाय 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 हाय, टूनी का बुरा करने चला था, ये तो मेरा ही बुरा हो गया, अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं, हाय 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 हाय।